आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पहली बारिश के बाद मिट्टी गन को क्या कहते हैं? आपके विकल्प है पैट्रेडिश, दूसरा ऑप्शन है पैट्रिको, तीसरा ऑप्शन आपका है ऑसम और चौथा ऑप्शन है मडिसेंट। और इस सवाल का सही जवाब है पैट्रिचोर या पैट्रिकोर। पौधे से निकलने वाले तेल और एक्टिनोमाइसेट्स के रूप में जाने जाने वाला बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित रसायनों के इंटरेक्शन के कारण यह पैट्रिचोर की गंध पैदा होती है। पैट्रिकोर यह शब्द 1964 में दो ऑस्ट्रेलिया साइंटिस्ट इजाबेल जॉय पेयर और रिचर्ड थॉमस द्वारा बनाया गया था, जो कि गीले मौसम की गंध का अध्ययन कर रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे जियोस्मिन कहा जाता है एक प्रकार का रबिंग अल्कोहल होता है जो पैट्रिकोर खुशबू में योगदान देता है। दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा चीनी खाना और कुत्ता एक ही नाम से जाना जाता है? विकल्प है मैकरोनी, दूसरा ऑप्शन है शाओमी, तीसरा ऑप्शन है चाओ चाओ या चौथा ऑप्शन है जिंगशी। और इस सवाल का सही जवाब दोस्तों है चाओ चाओ। चाओ चाओ एक कुत्ते की नस्ल है जो मूल रूप से उत्तरी चीन से आता है, जहां इसे सोंगशिन कान के रूप में जाना जाता है, जिसका अनुवाद पफी शेर कुत्ता है, यानी पफी लायन डॉग। इस चाओ चाओ कुत्ते की उम्र लगभग 9 से 15 साल तक रहते हैं, यानी ये इतने साल जीवित रह सकते हैं। इसका नाम चाओ चाओ हालांकि चीनी मूल जैसा लगता है, लेकिन ये चाओ चाओ शब्द असल में अंग्रेजी के पिगडिन शब्द से जुड़ा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, वायुमंडलीय दबाव की गणना किस उपकरण द्वारा की जाती है? विकल्प आपके है बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है थर्मोमीटर, तीसरा ऑप्शन आपके लिए है लैक्टोमीटर या चौथा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। और इस क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर के बारे में आज हम आपको बताते हैं दोस्तों। बैरोमीटर ये उपकरण 1640 में इसका आविष्कार किया गया था। बैरोमीटर दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एक होता है मर्कुरी बैरोमीटर और दूसरा बैरोमीटर होता है एनेरॉइड बैरोमीटर। इस एनेरॉइड बैरोमीटर में कोई भी लिक्विड नहीं होता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है आईफोन 6 जैसा आधुनिक सेल फोन में भी बैरोमीटर का उपयोग किया गया है? ये लीजिए चौथा क्वेश्चन आज के वीडियो का, अभिनेत्री श्रीदेवी की बड़ी बेटी का नाम क्या है? दोस्तों, आपके ऑप्शंस है खुशी, दूसरा ऑप्शन है तन्वी, तीसरा ऑप्शन है जानवी और चौथा ऑप्शन है मानवी। और इस सवाल का आंसर है जानवी। जानवी कपूर ने लॉस एंजेलिस यूएसए से ग्रेजुएट की है और द ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट में वो पढ़ी हुई है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च 1997 है, इसलिए 2020 में उनकी उम्र अब 23 साल की है। उनकी राशि यानी जोडेक साइन मीन है। वह इसे आइंस्टाइन और जस्टिन बीबर के साथ शेयर करती है। पांचवा क्वेश्चन आज के वीडियो का दोस्तों, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री और कॉस्मोनॉट के चालक दल के घर को क्या कहा जाता है? यानी अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट्स जाके स्पेस में रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है ISS, दूसरा ऑप्शन है ISI, तीसरा ऑप्शन आपके लिए है SSI और चौथा ऑप्शन है दोस्तों SIS।
और इस सवाल का सही जवाब दोस्तों है ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS को 1998 में लॉन्च किया गया था और साल 2000 के बाद से 19 देशों के 240 लोगों ने इसका दौरा किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय चालक दल ISS में 5 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हुए हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए काम करता है दोस्तों। 24 घंटों में अंतरिक्ष स्टेशन 16 सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करते हुए पृथ्वी के 16 परिक्रमा करता है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अगर पसंद आया तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो और लाइक बटन दबाइए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी दिन किसी और क्विज में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लाइफ।